दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कल यानी कि 15 मार्च को दो मूवी आपस में क्लैश करने वाली है बॉक्स ऑफिस पे, और वो दो मूवी कौन सी होने वाली है मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आए मैं क्या बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, आपको तो पता होगा कल 15 मार्च को योद्धा मूवी आने वाली है सिद्धार्थ मल्होत्रा की। एट द सेम टाइम बस्तर मूवी भी आने वाली है और ये दोनों ही मूवी देशभक्ति मूवी होने वाली है। देश के आत्मसम्मान को ये मूवी दर्शाती है और ये दोनों ही मूवी कल रिलीज होने वाली है। एक तरफ है योद्धा जो कि देश के 20-25 साल पहले की मतलब इंडिया की कहानी दिखाती है, जो कि प्लेन हाईजैक का कांड होता था। आपको पता है आए दिन कोई ना कोई प्लेन हाईजैक होता था, वो कहानी दर्शाई गई है। और एक तरफ है बस्तर जो कि छत्तीसगढ़ के एक बस्तर जिला है जहाँ पे वहाँ पे नक्सलवाद होते रहता है। आप लोग न्यूज में टीवी में देखे होंगे कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद ने इतने CRPF पे हमला किया और इतने जवान शहीद हो गए। तो जो नक्सलवाद की मूवी है बस्तर, वो करंट अभी की घटना दिखाई गई है। और एक तरफ है योद्धा जो कि 20-25 साल ये पुरानी है। आपको पता होगा अब ऐसा नहीं होता हमारे देश में, प्लेन हाईजैक नहीं होता है, लेकिन जो नक्सलवाद है वो हमारे देश में अभी तक है। तो ये एक करेंटली कहानी हो गई है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये दोनों ही मूवी योद्धा और बस्तर हमारी देश की सच्ची घटना को दर्शाती है। लेकिन बात करें योद्धा के बारे में तो इसकी स्टोरी लाइन है जो वो पुरानी हो चुकी है, लेकिन जो बस्तर की स्टोरी लाइन है वो अभी तक करेंटली अभी चल रही है, नक्सलवाद की स्टोरी। तो ये मैं मानता हूँ कि बस्तर की नई घटना बताई जा रही है, लेकिन जो योद्धा है वो घटना पुरानी हो चुकी है। लेकिन हाँ, ये दोनों ही अपने देश की सच्ची घटना को दर्शाती है, तो देखना दिलचस्प होगा। बात तो सही है। दोस्तों आपको मैं एक डिफरेंस और बता देना चाहता हूँ इन दोनों मूवी के बारे में, बस्तर और योद्धा के बारे में। आपको पता है जो बस्तर है उसमें कोई बड़ी स्टार कास्ट नहीं है, उसकी जो बजट है वो भी कम है, और जो वो बन रही है मूवी बैनर तले वो भी छोटा है। और लेकिन बात करें वहीं योद्धा के बारे में तो योद्धा धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बन रहा है। आपको पता है धर्मा प्रोडक्शन बहुत बड़ी बड़ी बजट लगा के मूवी बनाती है और इसमें स्टार कास्ट भी बड़े हैं, सिद्धार्थ मल्होत्रा मतलब और बड़ी जो स्टार कास्ट एक्ट्रेस है वो भी बड़ी है और इसके डायरेक्टर भी अच्छे हैं। लेकिन वही बात करें बस्तर के बारे में तो ये रियल इंसिडेंट पर बेस्ड कहानी है, इसमें कम बजट लगाया गया है और इसमें अदा शर्मा और एक एक्ट्रेस है बस्तर में, उसका मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन हाँ ये जो कहानी है वो रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं बस्तर और योद्धा दोनों आपस में टकराएंगे। वो अलग बात है कि जो योद्धा में है ज़्यादा पैसा है, बस्तर में कम है लगाया गया, लेकिन बस्तर टक्कर देगी क्योंकि ये रियल इंस्टीट्यूट बेस्ड है कहानी। आपको मैं एग्जांपल के लिए दे दूँ, 12th फेल मूवी आई थी, कम बजट लगा था लेकिन वो मूवी हाई क्रिएट की और बड़ा मूवी वो बनी क्योंकि उसमें कुछ सीख लेने वाली मूवी थी। वैसे ही बस्तर में ये सीख लेने वाली मूवी है, नक्सलवाद कैसे हमारे देश में आते हैं, क्या नक्सलवाद हमारे देश के करते हैं, हमारे देश में कितने दुश्मन है, देश के बाहर तो छोड़ दीजिए देश में कितने दुश्मन है नक्सलवाद के थ्रू। और एक और मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, जो क्रैक्स मूवी अभी आई थी फरवरी में और उसके साथ एक 370 मूवी रिलीज हुई थी आर्टिकल 370 यामिनी गौतम की। तो क्रैक्स के आगे जो यामिनी गौतम की मूवी थी जो 370 आर्टिकल, वो टक्कर दी सीधे क्रैक्स को और क्रैक्स मतलब धराशायी हो गया, सुपर फ्लॉप हुआ वो। उसमें बड़े बड़े एक्टर थे, अर्जुन रामपाल और फिर उसके बाद विद्युत जमाल और एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस और फिर नोरा फतेह, तो मतलब ऐसी ऐसी बड़े बड़े स्टार कास्ट थे और उस मूवी में बजट भी ज़्यादा लगाया गया था, लेकिन मूवी क्या की फ्लॉप की। वैसे ही कुछ योद्धा के साथ होने वाला है, ऐसा तो नहीं होगा कि ये मूवी फ्लॉप करेगा, ये मूवी बजट अच्छा खासा बनाएगी। लेकिन हाँ एक बात तो मैं कहना चाहूँगा, बस्तर का टक्कर देने वाली है इसको। और गाइज इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस मूवी दोनों का, बस्तर और योद्धा का बुक माई शो पे क्या रेटिंग है, कितने पब्लिक इंटरेस्ट दिए हैं किस मूवी को। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेंगे योद्धा का कि पब्लिक ने उसे बुक माई शो पे कितना इंटरेस्ट दिया है मतलब मूवी देखने के लिए। आपको पता तो होगा ही कल ये मूवी रिलीज होने वाली है 15 मार्च को, और इसका जो इंटरेस्ट दिया है पब्लिक ने मतलब इसे देखने के लिए इस मूवी को, वो 53.3K का इंटरेस्ट है पब्लिक के थ्रू। और इसका जो टिकट है वो पिछले 24 घंटे में 9.01K टिकट सोल्ड हो चुका है और ये लगातार ट्रेंडिंग में बना हुआ है। सो गाइस अब हम बात कर लेंगे बस्तर के बारे में। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं दो मूवी का आपको बताऊंगा, तो दोस्तों बस्तर के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि इसका पब्लिक ने इंटरेस्ट दिया है 11.2K का पब्लिक ने इसे इंटरेस्ट दिखाया देखने के लिए, और ये भी मूवी अगेन 15 मार्च को कल रिलीज होने वाली है। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे योद्धा का एडवांस बुकिंग कितना हो चुका है। इसका जो टिकट है गाइस सोल्ड हो चुका है, 35,228 टिकट
इसका सोल्ड हो चुका है और इसके टिकट के थ्रू कितना इसका कलेक्शन हुआ है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो कलेक्शन हुआ है टिकट एडवांस बुकिंग का वो 65,16,000 है। और गाइस ये मैंने आपको बता दिया इस दोनों मूवी का डिफरेंस क्या है, एडवांस बुकिंग के बारे में बताया योद्धा का और बस्तर का भी क्योंकि नहीं आया इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। और मैंने आपको बताया ये दोनों ही मूवी का बस्तर और योद्धा का बुक माई शो पे क्या रेटिंग चल रहा है, किसने ज़्यादा बाजी मारा और कौन मूवी को ज़्यादा पब्लिक पसंद कर रही है, ये मैंने आपको सभी बताया। और आप डिसाइड करके बताइएगा कि आपको कौन सी मूवी अच्छी लग रही है और आप कौन सी मूवी कल देखने जा रहे हैं, क्योंकि दोनों का जो है कलेश तो होगा ही, थोड़ा बहुत हो लेकिन होगा ही होगा। और गाइज आज अभी के लिए इतना ही, आप हमारे नए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर दबाइए ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले जैसे हम वीडियो अपलोड करें। और गाइज आप अगर चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे मोटिवेशन लेवल ज़्यादा बढ़ता है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही।